हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। यूनिवर्सिटी की पाठशाला में हम लोगों ने अभी रिसेंटली मॉड्यूल वन अपना कंप्लीट किया है, दैट इज़ द डीसी नेटवर्क्स। तो डीसी नेटवर्क्स आई होप एकदम मस्त तरीके से सारे नेटवर्क लॉज एंड थ्योरम्स आप पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन मैंने पीडीएफ आपको भेज दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप उससे क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। जहाँ पर भी डाउट है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, संडे को आप सभी के लिए लाइव सेशन जो है वो रहेगा। तो लाइव सेशन में हम और बढ़िया से क्वेश्चंस बनाएंगे, लाइव रिवीजन सेशन रहेगा। तो अभी तक जितना कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन करवाऊंगा आपको मैं उस लाइव सेशन में, ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से। तो फिलहाल आज आपका सेकंड मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट होता है इस वीडियो से, और इस सेकंड मॉड्यूल के अंदर हम लोग सिंगल फेज एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं या डरते हैं इस चैप्टर से कि बड़ा टफ चैप्टर है। आपको बता दूं कि ये डीसी नेटवर्क से ज़्यादा आसान चैप्टर है ये वाला। डीसी नेटवर्क में फिर भी बहुत सारे सर्किट्स को सॉल्व करने में आपको अपना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि 10 तरीके, 1000 तरीके सॉल्व करने के एक सर्किट को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ चीज़ें एकदम फिक्स्ड हैं, कन्फाइंड है कि इसी तरीके से होती हैं और वैसे ही आपको देखना होता है। तो बड़ा ही अच्छा सा चैप्टर है सिंगल फेज एसी, और इसको पूरा डेप्थ में, पूरा एकदम डिटेल में आपको मैं बताऊंगा जो आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में एज इट इज़ मेंशन रहेगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर के कंटेंट क्या क्या रहेंगे। तो कंटेंट देख लीजिए, इस वीडियो में आपको मैं अभी क्या क्या बताने जा रहा हूँ ये देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे जनरेशन ऑफ सिंगल फेज एसी, सेकंड पॉइंट पर आपको मैं बताऊंगा ईएमएफ इक्वेशन, और थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे कि टर्म्स यूज जो है हम सिंगल फेज एसी को पढ़ने के समय कौन कौन से टर्म्स को पढ़ते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक्स में जो तीन यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, ये तीन अलग अलग वीडियोज के लिए होते हैं ये टॉपिक। बट मेरी ये कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम से कम वीडियोस के अंदर इंटीग्रेट करके आप तक पहुंचाऊं। तो इसीलिए बल्क में खूब संख्या में वीडियोस बहुत ज़्यादा ना दिखें, लेकिन उन वीडियोस के अंदर का कंटेंट जो है वो संख्या में बहुत अच्छा वेरिएशन के साथ होना चाहिए, ये टारगेट है मेरा। तो कम से कम नंबर ऑफ वीडियोस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ऑफ कोर्स जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाए। तो सारा चीज़ एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले तो सिंगल फेज एसी के बेसिक्स। और हाँ, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नोट्स चल रहा है। आप चाहें तो अपना एडिशनली आप नोट कर सकते हैं, आपको जो एक्स्ट्रा नोट करने की जरूरत पड़े। अदर देन दैट, यहाँ बोर्ड पर जो भी कुछ लिखूंगा आपको भेज दूंगा मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। सबसे पहले तो हेडिंग, न्यू मॉड्यूल अब शुरू होता है। बस एक चीज़ करिएगा, वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑब्वियसली देख रहे हैं तो सीक्वेंस में देखते जाएगा। इससे पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो इसके बाद के वीडियो जरूर से देखते जाएगा सीक्वेंस में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मॉड्यूल नंबर 2, ठीक है। दूसरा मॉड्यूल शुरू होता है, तो सेकेंड मॉड्यूल एकदम जल्दी से मस्त तरीके से पढ़ेंगे इसको, बिना एक भी टॉपिक स्किप किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और इस चैप्टर का नाम है सिंगल फेज एसी सर्किट्स, सिंगल फेज एसी सर्किट्स, ठीक है, ये हमारा चैप्टर। तो भाई, सिंगल फेज एसी सर्किट नाम से आपको समझ में आ गया कि एसी के जो सर्किट्स होंगे, यानी ऐसे कोई भी नेटवर्क, ऐसा कोई भी क्लोज्ड पाथ जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई पर काम करता हो, उस पर वर्क करता हो, तो वो एसी सर्किट्स कहलाएगा, ठीक है। सिंगल फेज की हम लोग बात करें तो ये फेज का मतलब क्या हो गया? सिंगल मतलब तो वन, आप बोलोगे ऐसी थ्री फेज पढ़ते हैं हम लोग तो थ्री फेज हो जाता है। ये फेज वर्ड का मतलब क्या है? टर्म्स यूज के अंदर सारी की सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो अभी तक आप यहाँ तक ये समझिए कि जब डीसी सर्किट्स पढ़ रहे थे या डीसी नेटवर्क्स पढ़ रहे थे, तो हम ऐसे नेटवर्क्स या सर्किट्स की बात कर रहे थे जो डायरेक्ट करंट सप्लाई पर काम करते हैं। यहाँ ऐसे नेटवर्क्स की बात हम कर रहे हैं जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई पर काम कर रहे हैं। तो भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट होती क्या है इसको समझते हैं, ये जनरेट कैसे होती है इसको ध्यान से समझते हैं। एग्जामिनेशन में इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, जनरेशन से, ठीक है। सो व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ऑल्टरनेटिंग करंट? सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं हम लोग जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग, जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। चलिए देखते हैं इसको। तो जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है कैसे जनरेट होती है, इसका वर्किंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो पहले उसके लिए आपको ये देखना होता है कि डायरेक्ट करंट क्या होती है, उसकी वर्किंग कैसे बताते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। आगे चल के आप ट्रांजिएंट्स वगैरह जब पढ़ते हैं नेटवर्क में, तो उसके लिए ये सारे फंडामेंटल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। आपको ऐसा ग्राफिकल फॉर्म में चीज़ें समझना आना चाहिए। देखिए, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहला डिफरेंस आप इसके वेवफॉर्म से समझिएगा। यहाँ पर हम टाइम पीरियड के, टाइम इंस्टेंट्स के फॉर्म में बताते हैं, टाइम इन सेकेंड। इसकी वैल्यू
करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, किसी की भी वैल्यू हम बता रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में भी यही चीज़ है, करंट बता रहे हैं, बट यहाँ पे ओमेगा टी रेडियंस के फॉर्म में बताएंगे। ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड्स टी, तो आपके पास बचता है ओमेगा टी रेडियंस, एंगुलर फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में हम जो है यहाँ पर डेटा बताते हैं। तो ये इसकी जो वेव फॉर्म होती है ये इस तरीके से बनती है, लाइक दिस, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो आप वेव फॉर्म यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये एकदम बेसिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम बेसिक डिटेल है कि आप वेव फॉर्म देख के कैसे पहचानेंगे। अब दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, तो ये जो डायरेक्ट करंट वाली वेव फॉर्म थी इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द स्टेडी स्टेट वेव, दिस इज द स्टेडी स्टेट सप्लाई। इसको और क्या नाम से जाना जाता है, इसको और बोला जाता है, इसको और बोला जाता है स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट सप्लाई, ठीक है, स्टेडी स्टेट सप्लाई, क्योंकि स्टेडी रहती है जब से शुरू हुई, जब तक अंत ना हो जाए तब तक एकदम स्टेडी रहती है। इंटरव्यू में या वाइवा के समय प्रैक्टिकल में आपसे टीचर पूछते हैं, है ना, जो आपके जो लैब के जो टीचर होते हैं या जो एक्सटर्नल आए होते हैं, वो जरूर से एक सवाल पूछते हैं कि बेटा बताओ एसी और डीसी में कौन सा वाला डेंजरस है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल क्लियर सा है कि जो डीसी सप्लाई होती है वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। कारण भी इसका बड़ा सिंपल सा है कि डीसी सप्लाई जो है जिस इंस्टेंट पे आप टर्न ऑन करते हैं उस इंस्टेंट पे जो उसकी मैग्नीट्यूड रहती है वही उसकी पीक रहती है और वही उसकी एवरेज मैग्नीट्यूड रहती है, वो उससे कम नहीं होता है, और तब तक नहीं कम होता है जब तक जीरो वैल्यू पे आप ना ले आओ। देख सकते हैं आप खुद ही से, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि देखिए ये वाला इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पर बताइए क्वान्टिटी की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे सर ये पीक पर है। इस इंस्टेंट पर पूछूँ क्वान्टिटी की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर अभी भी पीक पर है। तीसरा इंस्टेंट में दे दूँ बोलूँ अब बताइए ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितनी है, आप अभी भी बोलेंगे कि सर ये अभी भी पीक पर है, ठीक। जबकि एसी में ऐसा नहीं है। आप ऑल्टरनेटिंग करंट का सीन देखिए, इसमें मैं अगर आपको पूछूं कि इस इंस्टेंट पे बताइए क्वांटिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर पीक से तो थोड़ी छोटी है लेकिन पीक की तरफ बढ़ रही है। अच्छा इस सेकंड वाले इंस्टेंट पे बताइए, आप बोलेंगे सर वैल्यू बढ़ गई है पहले से, पीक के करीब पहुँचने वाली है। और इस इंस्टेंट पर मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है करंट की, मतलब करंट अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे है। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये चौथे इंस्टेंट पे बताइए करंट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत छोटी है, बस जीरो के करीब ही पहुँच गई, करंट की वैल्यू एकदम कम होते 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 इट इज़ नियर बाय जीरो। तो मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जो है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रह रही है किसी एक पॉइंट पर। जैसे यहाँ डीसी में आपने देखा कि इट यूज़ टू बी कॉन्स्टेंट, फिक्स रहता अपनी वैल्यू पर। ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में ऐसा नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है वैल्यू, फ्लक्चुएट कर रही है, वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हर टाइम इंस्टेंट पे इसीलिए वैल्यू में वेरिएशन आ रहा है, और उन्हीं सारी वैल्यूज़ को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, इन्हीं को इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ कहा जाता है। आगे चल के रिप्रेजेंटेशन में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। तो अब इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, डेंजरस वाला जो फैक्टर था वो इससे कैसे रिलेटेड है, तो भाई इससे इस तरीके से रिलेटेड है कि अगर आपने डीसी की 200 वोल्ट या 300 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर चालू कर दी, या करंट में मान लीजिए कि 5 एम्पियर या 10 एम्पियर की डीसी चालू कर दी, तो वो 10 एम्पियर पूरा शुरू से अंत तक एज इट इज़ 10 का 10 रहेगा। एसी के केस में क्या हो रहा है, एसी के केस में ये वेरिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के साथ साथ वो बढ़ते हुए पीक पर हो सकता है। पीक 10 बता रहे हैं तो पीक का 10 यहाँ पर दिखेगा, कम होते 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 हो सकता है कि वो 7 पॉइंट समथिंग तक भी आ जाए, रिड्यूस भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा पीक पर रहेगा। और दूसरा चीज़, इस वेवफॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो ये अपनी एक पूरी साइकिल कंप्लीट करता है, अपने एक पूरे साइकिल के दौरान यहाँ पर भी इसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, इस पॉइंट पर भी मैग्नीट्यूड जीरो है, और इस आखिरी वाले पॉइंट पर भी मैग्नीट्यूड जीरो है। किसकी मैग्नीट्यूड, करंट की मैग्नीट्यूड। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई करंट की मैग्नीट्यूड अगर जीरो है ना, यहाँ करंट की मैग्नीट्यूड जीरो है तीन बार, तो एक साइकिल में तीन बार आपको जीरो वैल्यू मिलती है। सो दिस गिव्स अ क्लियर चांस कि कोई भी अगर इस सप्लाई के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो बचने का उसके पास तीन मौका मिलता है एक साइकिल के भीतर, यहाँ बचने का कोई मौका नहीं मिलता है। इसके अंदर देर इज नो चांस टू गेट योर सेल्फ सेव्ड, क्योंकि ये कभी जीरो पे पहुंचता ही नहीं जब तक आप इसको बंद ना कर दो, जब तक मेन से बंद ना कर दो, ठीक है। तो ये बड़ा एक मेजर डिफरेंस होता है। तो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है इसको इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। अब थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है जिसके अंदर इसी के बारे में हमको स्टडी करना है। तो आपको मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलता हूँ और इसी ग्राफ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, चलिए ठीक है, अब कुछ ग्राफ्स बनाते हैं, थोड़ा सा आपको ग्राफ से ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक बेसिक से ग्राफ मैं बना रहा हूँ, आपको सिग्नल्स या क्वांटिटीज जो है उसको आइडेंटिफाई करने बोलूँगा मैं इसके अंदर,
वो जल्दी जल्दी से आप आइडेंटिफाई करिएगा। ठीक, चल फर्स्ट क्वांटिटी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इट कैन बी करंट, इट कैन बी वोल्टेज, उससे मतलब नहीं है, जस्ट वेव फॉर्म को पहचानना है हमको। सेकेंड केस, और यहाँ पर है हमारे पास थर्ड केस लाइक दिस, इस जगह पे है फोर्थ केस, ठीक है, ये चौथा केस है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ केस, और सिक्स्थ केस। ऐसे मल्टीपल अलग अलग कंडीशंस जो है वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, सो दैट कि आपको हर तरीके के ग्राफ का प्रैक्टिस जो है वो होना ज़रूरी है। दिस इज द सेवेंथ केस लाइक दिस, और एक आध रैंडम केस और मैं इसमें शो कर देता हूँ आपको कुछ इस तरीके का। ऐसा केस, तो इतने तरीके के ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला एसी का ग्राफ है, इसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ कौन कौन सी है, क्या ये आप पहचान सकते हैं क्या? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन डी, दिस इज ई ऑप्शन, दिस इज एफ ऑप्शन, ये ऑप्शन जी है, और ये ऑप्शन एच है। इतने ऑप्शन, इसके अलावा भी और भी तरीके के ग्राफ्स होते हैं, बट मैंने अभी इतना ही ड्रॉ किया है कन्फाइंड फॉर्म में। तो इसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कौन सा वाला? आप बोलेंगे सर ए ऑप्शन है। अच्छा, बाकी नहीं है क्या? बाकी नहीं है क्या ऑल्टरनेटिंग का ग्राफ? ये सब भी तो ऑल्टरनेट कर रहे हैं भाई। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट मतलब रिपीट करना, सेल्फ रिपीटेटिव हो, खुद की प्रॉपर्टी को हर एक अंतराल के बाद अगर दोहराता चला जाए तो वो ऑल्टरनेटिंग कहलाएगा, नहीं कहलाएगा क्या? बोल सकते हो ना आप उसको कि दैट इज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो भाई खुद की प्रॉपर्टी को दोहरा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ से जब ये ग्राफ शुरू होगी इस पॉइंट के बाद से, तो ये फिर से ऐसी बनेगी, है ना, सेल्फ रिपीटेटिंग होगी ना। तो इसीलिए तो हम लोग इतना ही हिस्सा शो करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद क्वांटिटी रिपीट हो रही है, तो उसके आगे का मैं शो नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या ये नहीं ऐसा हो रहा है क्या? ये भी तो रिपीट कर रहा है खुद को, ये देखिए ये भी रिपीट कर रहा है सी वाला ग्राफ, ये एफ ग्राफ को देखिए ये भी तो रिपीट कर रही है खुद को, ई ग्राफ भी रिपीट कर रही है, डी चलो कांस्टेंट है, ये सब रिपीटिंग है, ये भी रिपीट कर ही देगी खुद को इसके बाद बी पॉइंट के बाद। इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप कैसे इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, ये सब ग्राफ कौन कौन सी, इनका क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या नाम इसको बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिक नाम है क्या इसका? हाँ, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, इनका नाम है, स्पेसिफिक नेम है, क्या है? दिस इज अ साइनोसॉइडल, दिस इज अ साइनोसॉइडल वेव, जिसको कि साइन वेव भी बोलते हैं हम लोग, ठीक। ये जो वेव है बी ऑप्शन पर, ये कौन सा वेव है? दिस इज अ सॉटूथ वेव, दिस इज अ सॉटूथ वेव, ठीक। सी ऑप्शन पर क्या दिख रहा है? हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज अ हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेव है ये। अच्छा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है डीसी वेव है या स्टेडी स्टेट वेव है। ये कौन सी वेव है? दिस इज अ स्क्वायर वेव, दिस इज अ स्क्वायर वेव। इधर पर कौन सी वेव बनी हुई है? भाई यहां पर सर ट्रायंगुलर वेव बनी हुई है ना, यहां पर ट्रायंगुलर वेव बनी हुई है, तो दिस इज अ ट्रायंगुलर वेव, बहुत ही अच्छा। ये किसका वेव है? ये कौन सा वेव है भाई? दिस इज अ फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट, फुल वेव रेक्टिफायर है ना, कंप्लीट वेव को पूरा ये रेक्टिफाई कर दे रहा है। और ये कौन सी वाली वेव है? तो दिस इज अ डैम्प्ड वेव, ऑसिलेशन डैम्पिंग यहां पे होती जा रही है, और यहां पे एट द एंड डैम्प हो गया पूरा। इतने प्रकार की वेव्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप जिस एसी के बारे में बात करते हैं, हमारे घरों पर जो सप्लाई आती है, उस एसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो ये पहला वाला है, फर्स्ट। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि केवल अल्टरनेटिंग बोल देने से इसका डेफिनेशन पूरा नहीं हो जाएगा, कुछ इसमें ऐसी खास चीज़ होगी जो इनमें या इन वेव्स के अंदर मिसिंग है। अल्टरनेटिंग ये है तो अल्टरनेटिंग तो ये भी है,
ये वाली वेव भी है, दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग, ये भी ऑल्टरनेटिंग है, ये सब तो ऑल्टरनेटिंग वेव्स हैं, इसको छोड़ के ऑलमोस्ट पूरा ही ऑल्टरनेटिंग है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग में भी क्या होता है, इसके अंदर और क्या डिफरेंस है जो इसको बाकियों से अलग बनाता है? तो पहला सीन तो आपको क्लियर है कि जब मैंने लिखा साइनुसॉइडल वेव, तो इसका मतलब इसकी जो एंगल्स बन रही है वो साइन के एंगल के आधार पे बन रही है, साइन के आधार पे, साइन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं उसके आधार पे इसकी एंगल्स या इसके इंस्टेंट्स पर जो वैल्यूज़ है वो ट्रेस हो रही है, इसीलिए इसको साइन वेव बोलते हैं हम लोग। आप देखिएगा मार्केट में आप इन्वर्टर खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन सा इन्वर्टर चाहिए, आप बोलेंगे साइन वेव इन्वर्टर चाहिए। देखिएगा बहुत तरीके के इन्वर्टर आते हैं, उसमें से साइन वेव इन्वर्टर आप घर के इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं, ठीक है? तो आगे चल के ग्रेजुअली और समझते जाएंगे इसको, तो आपको समझ में आता है कि साइनुसॉइडल वेव या ऑल्टरनेटिंग वेव जिसको हम बोल रहे हैं, जो हमारे घर पे जो सप्लाई आती है, दैट दैट इज साइनुसॉइडल वेव। ऑल्टरनेटिंग बोलना एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है, एक ऑल्टरनेटिंग वर्ड के अंदर ये सब आते हैं, इसको छोड़ के सब ऑल्टरनेटिंग है, इसको और इसको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, ये डैम्प कंडीशन और डीसी, इन दोनों को छोड़ के जितना यहाँ बना हुआ है ना सब ऑल्टरनेटिंग है, दैट इज अ जनरलाइज वर्ड। उसमें से स्पेसिफिकली जब बात करोगे, ये स्पेसिफिकेशन है इसकी, कि आप बोलोगे साइनुसॉइडल वेव की हम बात कर रहे हैं, तब इस पॉइंट को कोई समझेगा आपको। ऑल्टरनेटिंग केवल बोल दोगे तो इसका मतलब ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। क्लियर ये वाला पॉइंट कि साइनुसॉइडल वर्ड कब यूज करना है और ऑल्टरनेटिंग वर्ड कब यूज करना है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब पहले तो आपको जरा टर्म्स यूज बताते हैं, फिर टर्म्स यूज के बाद जनरेशन और बाकी चीजों पर लेके आते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट इज द टर्म्स यूज, टर्म्स यूज, क्या क्या टर्म इसके अंदर यूज होते हैं? देखिए सबसे पहला जो टर्म यूज होता है दैट इज साइकिल, एसी साइकिल, ये पहला टर्म हम पढ़ते हैं, है ना? कई बार आपने सुना होगा ये वर्ड कि 10 AC साइकिल, 50 AC साइकिल्स या 1/ऑल द AC साइकिल्स, इस तरीके से आपको चीज़ें बताते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एसी साइकिल? एसी साइकिल होता क्या है? एसी साइकिल यानी कि जब आपकी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपना 360 डिग्री का रोटेशन पूरा करती है, तब बनता है एक एसी साइकिल। जब आपकी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपना 360 डिग्रीज का रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेती है, तो एक एसी साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है वहां पर, लाइक दिस। ओमेगा टी रेडियंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे करंट वोल्टेज जो आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे करंट लिख रहा हूँ इन एम्पियर, ठीक है? तो ये जो पोर्शन है दिस इज 1 AC साइकिल, इस पोर्शन को हम लोग रेफर करते हैं एज 1 AC साइकिल। ये देखिए यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, ठीक है? ये एरो थोड़ा ज्यादा बाहर चला गया, इतना दूर तक का जहां पर ये 360 डिग्री अपनी पूरी की है, ठीक है? दिस इज नोन एज 1 AC साइकिल। अब एसी साइकिल की क्या टेंडेंसी होनी चाहिए जो इसको ऐसे साइनोसॉइडल वेव में दिखाएगा हमको, ठीक है? तो एसी साइकिल का मतलब होता है 360 डिग्री रोटेशन, 360 डिग्री रोटेशन वेयर वेयर द क्वांटिटी अटेन्स फॉलोइंग, वेयर द क्वांटिटी अटेन्स फॉलोइंग। अब आपकी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या क्या अटेन करेगी इस पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में? अब ये रोटेशन हो कैसे रहा है, मैकेनिकल रोटेशन किस तरीके से होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा जनरेशन के पार्ट में। अभी तो मैं सिर्फ टर्म्स यूज बता रहा हूँ, फिर जनरेशन पे आएंगे। देखिए इस रोटेशन के दौरान आपकी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी 2 बार पीक वैल्यू पे आई, चूंकि करंट की ग्राफ है इसलिए मैं यहाँ पे IM लिख देता हूँ पॉजिटिव, यहाँ पे मैं -IM लिख देता हूँ, ठीक है? पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक, दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस वन इज 2 पाई। अब पाई का मतलब 3.14 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डेटा रेडियंस में एक्सप्रेस हो रहा है ना, तो रेडियंस में एक्सप्रेस हो रहा है, तो पाई जो है वो 180 को रिप्रेजेंट करेगा, 180 डिग्रीज। तो 2 पाई का मतलब हो जाएगा 360 डिग्रीज, ठीक है? तो ये 90 पर आपकी जो क्वांटिटी है ये अपने पीक वैल्यू अटेन कर रही है पहला, और 270 पे दूसरा पीक अटेन कर रही है, नेगेटिव पीक, ठीक है भाई? सो द क्वांटिटी अटेन्स द फॉलोइंग, क्वांटिटी क्या क्या चीजें अटेन करेगी इस पॉइंट पर? तो यहाँ पे आप फिर लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट पीक वैल्यूज ट्वाइस, 2 बार क्वांटिटी अपनी पीक वैल्यू अटेन करेगी, जीरोस थ्राइस, 3 बार जीरो वैल्यू अटेन करेगी क्वांटिटी, फेस शिफ्ट 1 बार फेस शिफ्ट होगा,
फेज शिफ्ट या इसको पोलैरिटी शिफ्ट आप लिख लीजिएगा, पोलैरिटी शिफ्ट। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक बार अपनी पोलैरिटी शिफ्ट करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद साइन के एंगल्स बनाएगी। उसके बाद वेरियस वेरियस इंस्टेंटेनियस वेरियस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, कई सारे इंस्टेंटेनियस, हर इंस्टेंट पे अलग 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 वैल्यूज आपको दिखाई देते रहेंगे। ठीक है, जीरो टोटल एवरेज, जीरो टोटल एवरेज। उसके बाद सिमेट्रिक हाफ साइकल्स। टोटल एवरेज आप निकालेंगे क्वांटिटी की तो वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? कारण क्योंकि ये क्वांटिटी सिमेट्रिकल है। इसके पॉजिटिव हाफ का एवरेज निकालोगे तो नेगेटिव हाफ के एवरेज के बिल्कुल बराबर आएगा, कुछ नहीं चेंज होगा। अब जब दोनों इक्वल हैं तो सिर्फ पोलैरिटी शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे जो आंसर मिलेगा उसी का नेगेटिव आंसर आपको इस नेगेटिव हाफ पर मिलेगा। और ऐसा होने की वजह से जब आप टोटल एवरेज निकालेंगे तो नेट एवरेज जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसका एवरेज निकालने के समय आपको हाफ साइकिल को प्रीफर करना होता है। ठीक है, और ये हाफ साइकिल का प्रीफर करके हम एवरेज की वैल्यू जो है इसकी बताते हैं। तो डेरिवेशन जब शुरू करते हैं तो जीरो से टू पाई तक का एवरेज निकालते हैं, लेकिन पाई से टू पाई का जो ड्यूरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। एक को हटाते हैं हम लोग और एक के पोर्शन पर हम फाइनल एवरेज अपना बताते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक हाफ साइकिल जो है वो यहाँ पर होगी, टोटल जीरो टोटल एवरेज होगा, वेरियस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होगी, साइन के एंगल पर ये ट्रेस करेगा, तीन बार जीरो अटेंड करेगा, फेस शिफ्ट या पोलैरिटी शिफ्ट, एक एक पोलैरिटी शिफ्ट रहेगा यहाँ पे, और पीक वैल्यू जो है वो क्वांटिटी दो बार अटेंड करेगी। इतना कुछ टेंडेंसी जब होगा तब कहीं जाकर के आप बोलेंगे कि हाँ अब एक एसी साइकिल ट्रेस हो गया है, उसके अंदर ये सभी फीचर्स होने चाहिए। अब इन फीचर्स को लेकर के जो मैंने पिछले पेज पे आपको ग्राफ दिखाया था उसके ऊपर जरा लागू करके देखिएगा, तो कई सारे ग्राफ फेल हो जाएंगे और एट द एंड एक ऐसा पॉइंट है जिसपे सब फेल हो जाएंगे आपके ओरिजिनल वेव को छोड़ के, वो पॉइंट है साइन के एंगल्स। इसी वजह से साइनोसॉइडल वेव बोलना उसको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिस वेव के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो हो गया इसका बेसिक कि भाई एक एसी साइकिल हमारा फॉर्म हो गया। अब ये एसी साइकिल से फ़ायदा क्या है, एसी साइकिल से फ़ायदा क्या है, और डीसी में ऐसे कितने साइकिल्स होते हैं? तो डीसी सप्लाई में कोई साइकिल्स नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें ऐसा कोई पोलैरिटी शिफ्ट तो नहीं देखा आपने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर टू, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, विच इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसे कितने नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड एक क्वांटिटी कंप्लीट कर रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है लिखवा देता हूं इसके नीचे, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड। इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड विद एफ एंड इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, या फिर इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होती है रेडियंस पर सेकेंड। कोई आपको जब फ्रीक्वेंसी बताए तो ये समझिएगा कि उसको एफ से भी बता सकते हैं। नॉर्मली हम लोग हर्ट्ज में बात करते हैं कि हमारे घर में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज, एफ की वैल्यू बता रहे हो आप वहाँ पे। ठीक है, और जब आपको ओमेगा के फॉर्म में वैल्यू शो करोगे तो वो बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जितने एंगुलर रोटेशंस का जो फैक्टर होता है वहाँ पे ओमेगा का यूज़ करते हैं हम लोग। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी यूनिट अलग होगी, रेडियंस पर सेकंड्स में होगी। ठीक है, उसकी यूनिट रेडियंस पर सेकंड में, इसकी वैल्यू आप लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू एफ। तो कभी एफ की वैल्यू दी हो और उससे ओमेगा निकालना हो या वाइस वर्सा, फॉर्मूला आप ऐसा यूज कर सकते हैं इससे। फ्रीक्वेंसी क्लियर? जब आप बोलते हैं आपके घर में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब 50 साइकल्स पर सेकंड ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपके घर की जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो 50 साइकल्स एक सेकंड में बन रहे हैं उस वेव के अंदर। यही वजह है कि वो बल्ब का फ्लिकरिंग आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता, असलियत में तो वो फ्लिकर कर रहा है और बहुत स्पीड से फ्लिकर कर रहा है। इतनी स्पीड से फ्लिकर कर रहा है कि आपकी आंखें उसके शटरिंग इफेक्ट को देख ही नहीं पा रही है। लेकिन यही चीज़ मोबाइल का स्लो मोशन कैमरा चालू करिए और आप बल्ब की तरफ या ऐसे किसी डिवाइस की तरफ करिए जो एसी सप्लाई पर चल रहा है, देखिए उसकी फ्लिकरिंग को वो पूरा रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, चलिए, तो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी वर्ड पे आ गए। फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है हमारा, दैट इज टाइम पीरियड।
नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? देखिए टाइम पीरियड का मतलब होता है इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन बाय द ऑल्टरनेटिंग, इट इज द टाइम टेकन बाय ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन, टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन और वन साइकिल. एक साइकिल पूरा होने में, वो जो मैंने एक साइकिल की आपको पूरी वर्किंग बताई, वो ऐसा एक कंप्लीट साइकिल बनने में लगने वाला समय कहलाता है टाइम पीरियड. हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड्स आर ऑलवेज डिनोटेड विद द कैपिटल टी साइन. इसको हमेशा कैपिटल टी के साइन से शो करते हैं. बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि टाइम पीरियड को ऐसा लिख देते हैं, ऐसे गलत है. ये टाइम पीरियड नहीं है, वो टाइम इंस्टेंट है. दोनों की यूनिट सेम होती है, हालांकि दोनों ही टाइम को डिनोट कर रहे हैं, तो बोथ आर हैविंग द सेम यूनिट्स, सेकेंड्स में शो करोगे. बट टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ड्यूरेशन होता है पूरा, उसमें स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दोनों होता है, और उनका क्यूमुलेटिव फॉर्म में आप पीरियड बताते हैं. जबकि टाइम इंस्टेंट जो रहता है उसमें सिर्फ एक ही पोर्शन रहता है और एक ही पिन पॉइंट रहता है जिस पर आप बता रहे हैं कि इस समय में यह घटना हो रही है. ना उससे पहले की बात होती है, ना उसके बाद की बात, और क्यूमुलेशन का कोई सीन नहीं रहता उसके अंदर. ठीक है, तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से शो करते हैं. ऑल्सो वी कैन से कि द टाइम टी इज गिवन एज वन अपॉन एफ, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में टाइम पीरियड आप बताते हैं. तो मतलब वन अपॉन हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकेंड्स आप बोल सकते हैं, यानी कि इसको हर्ट्ज इनवर्स भी बोला जा सकता है. ठीक है, तो दिस इज द टाइम पीरियड. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग. अगला जो पॉइंट है हमारा, दैट इज ऑल्टरनेशन. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं हम लोग इसी के साथ, और यहां लिखा हुआ है ऑल्टरनेशन. ऑल्टरनेशन बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इसका मीनिंग एकदम तुरंत के तुरंत आपको समझ में आ जाएगा. ऑल्टरनेशन का मतलब होता है हाफ पोर्शन ऑफ अ साइकिल. तो जिस साइकिल की आप बात कर रहे हैं उसके आधे हिस्से को बोलते हैं ऑल्टरनेशन. इट इज द हाफ पोर्शन, इट इज द हाफ पोर्शन ऑफ वेव. तो ऑल्टरनेशन जो है वो दो प्रकार से हो सकते हैं. एक हो सकता है 0 से पाई तक का ऑल्टरनेशन, और दूसरा हो सकता है पाई से 2 पाई तक का ऑल्टरनेशन. ठीक है, तो 0 से पाई का ऑल्टरनेशन जो है ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज पॉजिटिव ऑल्टरनेशन. दिस इज नोन एज द पॉजिटिव ऑल्टरनेशन. इसी को पॉजिटिव ऑल्टरनेशन बोलते हैं. पाई से 2 पाई वाले को क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑल्टरनेशन. क्वांटिटी यहां पर नेगेटिव साइड पर मूव कर रही होती है, तो नेगेटिव ऑल्टरनेशन, नेगेटिव ऑल्टरनेशन. ठीक है, ये देखिए वेव के हिसाब से एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि क्यों मैंने 0 से पाई वाले को पॉजिटिव लिखा. देखिए 0 से पाई का जब आप शो करते हैं ग्राफ, तो वो आप यहां से यहां तक का पोर्शन शो करते हैं. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज 0, ये वाला पाई है, एंड दिस वन इज 2 पाई. तो जब 0 से पाई की आप बात करते हैं, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल. पूरी साइकिल का जो पॉजिटिव हाफ है आप उसकी बात कर रहे हैं, और ये उसके पॉजिटिव ऑल्टरनेशन को शो करता है, पॉजिटिव आधा हिस्सा. और ये पाई से 2 पाई का जो रीजन है, इट इज टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव हाफ ऑफ अ साइकिल. तो इसीलिए इसके नेगेटिव ऑल्टरनेशन को ट्रेस करता है. क्लियर आपको ये चीज? ये ऑल्टरनेशन की जरूरत, इस वर्ड की जरूरत आपको पड़ती है तब जब आप एवरेज ऑफ द क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तब उस समय आपको इस वर्ड की जरूरत पड़ती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. तो ऑल्टरनेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, फिफ्थ पॉइंट. पांचवा पॉइंट जो है इस पर आते हैं हम लोग, एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, क्वांटिटी के वर्ड्स में. अब जब सिंगल फेज एसी सर्किट्स पढ़ते हैं ना, तो नए नए टर्म्स आप सीखते हैं. जैसे जब आपने डीसी पढ़ा, तो मैंने आपको वहां पे मैश, जंक्शन, नोड, ब्रांच, ये सब क्या होते हैं बताया था, क्योंकि वहां पे आपको इस तरीके के एनालिसिस करने थे. अब सिंगल फेज एसी में ये सारे वर्ड्स बार बार आपके सामने आएंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एम्पलीट्यूड? इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू, इट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू अटेंड बाय द क्वांटिटी
इन इट्स साइकिल, इट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू अटेंड बाय द क्वांटिटी इन इट्स साइकिल। एक अपने कंप्लीट साइकिल के दौरान कौन सी मैक्सिमम वैल्यू एक क्वांटिटी अटेंड करेगी, इसी को एम्पलीट्यूड बोलोगे आप। इसका और क्या क्या नाम होता है, और क्या नाम से इसको पूछा जा सकता है, इसी को एम्पलीट्यूड को ही हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट वैल्यू, इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू, इसी को मैक्सिमम बोलते हैं, इसी को हाईएस्ट बोलते हैं। ऐसे सब नाम इसी के होते हैं। तो किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है कि भाई पीक वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, है ना, ये सब एक ही चीज़ें होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। जैसे मान लो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बताना है तो कैपिटल वी लिखोगे, करंट का बताना है तो कैपिटल आई, पावर का बताना है तो कैपिटल पी, ईएमएफ का बताना है कैपिटल ई, ये सब एम्पलीट्यूड बताएगा उसका मैक्सिमम। या फिर वी नॉट भी लिखते हैं, आई नॉट भी लिखते हैं, या फिर उसको वीएम लिख के बता सकता है, आईएम लिख सकता है, इसमें से कोई भी नोटेशन इस्तेमाल होता है। अलग अलग किताबों में डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन आपको मिलेगा और ये सभी नोटेशन करेक्ट है। बस इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कैपिटल लेटर से शो होता है एम्पलीट्यूड हमेशा। चलिए भाई अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एम्पलीट्यूड हो गया, अब उसके बाद फेज और फेज डिफरेंसेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फेज, चलिए यहीं पर लिखवा देता हूं आपको जल्दी से। व्हाट इज फेज, फेज क्या होता है, तो इट इज एन इंडिपेंडेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन बिटवीन बिटवीन द सोर्स टू लोड। ठीक है, एक तरीका है इसको डिफाइन करने का, ये एक तरीका है, फिजिकल तरीका है डिफाइन करने का। अब मैं आपको ग्राफिकल तरीका लिखवा देता हूँ इसका, कि ग्राफ के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हो तो कैसे बताओगे, कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ अ वेव originated from initial zero value of graph, of graph। दोनों तरीका आपको समझाता हूं, ठीक है, फेज को समझने के दोनों तरीके। देखिए जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास यहां पर मैं दो सर्किट बना के दे रहा हूं को, ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज कि आपके पास यहां पर ऐसे दो सर्किट्स हैं, ठीक है, ये दोनों सर्किट जो हैं, ये दोनों सर्किट्स में यहां यहां पर आपके पास सोर्सेज हैं और इस जगह पर एक लोड लगा देता हूं मैं, ठीक। देखिए तो लेट अस सपोज कि आपके पास यहां पर एक सोर्स इधर है, यहां पर एक सोर्स है, इधर पर एक सोर्स है, सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज एसी, ठीक है, ये सब अलग अलग सोर्सेज हैं। वैसे इस तरफ पर भी सेम कंडीशन है कि आपके पास यहाँ पर भी ऐसे तीन सोर्सेज लगे हुए हैं, 1, 2 एंड 3, ये तीन सोर्सेज हैं, और यहाँ पर भी आपके पास ऐसी लैंप लोड मान लीजिए लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एसी सप्लाई, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई, मान लीजिए इसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ कितना, 220 वोल्ट, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर भी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये 220 मैंने एग्जांपल के तौर पर रखा है, ठीक। अब ये दोनों में से आप बताइए कि थ्री फेज सिस्टम कौन सा वाला है, इन दोनों में से विच वन इज अ थ्री फेज सिस्टम, कौन सा वाला थ्री फेज एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका आंसर होगा कि सर ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही राइट आंसर होना चाहिए। तो आपका आंसर जो है वो ये होना चाहिए कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ थ्री फेज सिस्टम। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी एक फेज को मैं फॉल्टी कर देता हूँ, मान लीजिए किसी एक फेज से सप्लाई का डिस्कनेक्शन कर देता हूं मैं लाइक दिस, तो क्या बाकी दोनों फेज का इसके साथ जो कनेक्शन है इस लोड के साथ वो इस पे डिपेंड कर रहा था क्या, फर्स्ट वाले पे नहीं डिपेंड कर रहा है ना, इंडिपेंडेंट कनेक्शन है। तो सेकंड वाला फेज जो है, सेकंड वाली जो जो सोर्स है उसका लोड के साथ कनेक्शन इंडिपेंडेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्स्ट वाला अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए बीच में, तो इसको भी मैं हटा दूंगा तो भी थर्ड वाला पोर्शन जो है वो कनेक्टेड रहेगा, सप्लाई देता रहेगा इस लोड को। बट यहां पे सीन अलग है, अगर यहां पे मैं कोई एक सेक्शन को कट कर देता हूं तो पूरा का पूरा सप्लाई रुक जाएगा, और इसीलिए ये सीरीज कनेक्टेड सिस्टम कभी भी थ्री फेज नहीं कहलाएगा, दिस एंटायर पोर्शन इज स्टिल अ सिंगल फेज एसी सिस्टम।
तो फेज का मतलब एक तो हो गया कि इंडिपेंडेंट कनेक्शन फ्रॉम द सोर्स टू लोड, और दूसरा कनेक्शन जो होता है या दूसरा जो इसका डेफिनेशन होता है वो ग्राफ के एस्पेक्ट से होता है कि भाई ग्राफ के रिस्पेक्ट में आप बताएंगे कि कितने क्वांटिटीज जो है वो वहाँ से ट्रैवल कर रही है। सपोज कर लीजिए एक ये क्वांटिटी है, ये सेकेंड क्वांटिटी है और ये थर्ड क्वांटिटी। अब ये तीन तीन अलग अलग क्वांटिटीज़ है, तो ग्राफ के किसी भी एक पोर्शन पर एट अ टाइम आपको जीरो से ओरिजिनेट होती हुई कितनी लाइनें मिलती हैं वही उसके नंबर ऑफ फेज को बताती है। तो दो लाइन दिख रही है तो दो फेज, तीन लाइनें दिख रही है तो तीन फेज का सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश होता है यहाँ पर। आगे चल के जब हम लोग थ्री फेज एसी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में तो मैं आपको और डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो फिर फेज डिफरेंस, लीडिंग फेज, लैगिंग फेज, सारी चीज़ें वहाँ पर मैं और डिटेल में आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए अपने टर्म्स यूज्ड पर, ठीक। टर्म्स यूज्ड के बाद अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर के चलता हूँ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द जनरेशन ऑफ सिंगल फेज एसी, जनरेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कैसे हो रहा है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन एक आता है ना दिमाग में कि सर ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट हो रहा है। तो पहली बार ये जो जनरेशन का जो एस्पेक्ट था ये निकोला टेस्ला ने सबसे पहली बार इलेबरेट किया था, सबसे पहली बार डेमोन्स्ट्रेट भी उन्हीं ने किया था। इलेबरेट तो किया ही किया था, साथ में अपने जो स्पॉन्सरर्स थे उनके सामने डेमोन्स्ट्रेट भी उन्होंने किया था कि ये किस तरीके से वर्क करता है और कैसे इसका आउटपुट होता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन था बड़ा सिली सा, आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने किया था उसके लिए ऐसा एक एक टब जैसा ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने यूज़ किया था, इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर था, और इसी के नीचे यहाँ पर हैंड ड्रिवन जनरेटर था एक, इसी के नीचे एक हैंड ड्रिवन जनरेटर सेक्शन जो है वो उन्होंने बना करके रखा था, ठीक लाइक दिस। ये देखिए अब ये जो हैंड ड्रिवन जनरेटर जो था ये कैसे काम कर रहा था, ये देखिए यहां पर ऐसा हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। इसको जब घुमाएंगे, इसको रोटेट कराएंगे तो इस पूरे बाउल के अंदर यहाँ पर बीच में एक एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है उसका बना हुआ एक बॉल रखा हुआ था, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉयल का बना हुआ यहाँ पर उन्होंने एक बॉल रखा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इनका जो ये जनरेटर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया मैंने, आप थोड़ा सा अच्छे से उसको समझिएगा कि जो ऊपर का बाउल है मेटालिक सेगमेंट रखा, यहाँ से हैंड ड्रिवन सेक्शन पर यहाँ आपका जनरेटर का कॉयल वगैरह उनका था, मैग्नेटिक सेगमेंट जो है वो यहाँ वो बना के रखे थे और घुमाना शुरू किए। जैसे जैसे उन्होंने घुमाना शुरू किया वैसे वैसे ऑल्टरनेटिंग नेचर की ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ वो भी चेंजिंग नेचर का हुआ कि एक बार नॉर्थ साउथ ऐसे बनता था, अगली बार नॉर्थ साउथ इधर बनता था। तो ये जो फील्ड था, ये जो आपका जो एल्यूमिनियम का बॉल उन्होंने रखा वो उस फील्ड के बनने को डेमोन्स्ट्रेट करा था कि ये बॉल एक बार क्लॉकवाइज जाता था आधे साइकिल, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाता था। तो ये इनका पहला डेमोन्स्ट्रेशन था ऑल्टरनेटिंग करंट का, जो फिजिकली जिससे चेंज होता हुआ दिख रहा था कि इसकी वजह से फील्ड के बार बार चेंज होने से, और जैसे जैसे ये घुमाते जा रहे थे वैसे वैसे इसके घूमने की स्पीड जो है वो चेंज हो रही थी। ये फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन था निकोला टेस्ला का, जिसकी वजह से सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स थे, जो स्पॉन्सरर्स थे, वो सब बहुत खुश हो गए थे कि हाँ एसी जो है वो वाकई में एग्जिस्ट करता है और बहुत ही एफिशिएंट है। उनका मानना ये था कि भाई जब आप आपको ज़रूरत ही क्या है हर समय पीक वैल्यू ऑफ सप्लाई देने की, जब आप लेस देन पीक सप्लाई दे करके भी चीज़ों को एज इट इज़ वैसे ही वर्क करवा सकते हैं जैसे पीक पर वो वर्क करती। तो इस हिसाब से उन्होंने जनरेशन का फंडामेंटल जो है वो बताया था, और इसको अगर हम लोग समझें तो आज के डेट का जो मॉडर्न डे जनरेटर्स है वो किस तरीके से काम करता है वो भी आपको इससे अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोग उसके लिए ये सपोज करते हैं, देखिए निकोला टेस्ला का एसी के जनरेशन का जो फंडामेंटल था वो कहीं ना कहीं बेस करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। तो इसीलिए आपको उस सब को समझने के लिए फैराडे का नियम जो है वो पहले समझना होगा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम कैसे करता है, ठीक। चलिए देखते हैं, पहले इसी को समझते हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हमारे पास यहाँ से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पे हो गया साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो अब जो आपके पास कॉइल है,
एक यूनिफॉर्म, एक सेट ऑफ कंडक्टर्स को आप इसके अंदर प्लेस कर दीजिए लाइक दिस। आपके पास सेट ऑफ कंडक्टर्स होगा, कॉइल की सेट होगी, वायर मस्त लपेटिए और इसके भीतर यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ से कि ये मेरे पास एक सेट ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर कॉइल, ठीक। इस पर एक तरफ ऐसे ए लिख देता हूँ, दूसरी तरफ बी लिख देता हूँ और इसको उठा करके मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। अच्छा, अब सिर्फ प्लेस नहीं करना है, अब आपको इसको घुमाना भी है, इसी के अंदर, इसी के भीतर घुमाना है। लेकिन ये घुमाने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ईएमएफ जो है कैसे इंड्यूस होगी, उसके बारे में फराडे का नियम क्या बोलता है। फराडेज लॉ ये स्टेट करता है कि वेन एवर देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। एक लाइन में लिखता हूं मैं, बहुत ज्यादा डिटेल की थ्योरी नहीं, एक लाइन में समझिएगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू द फराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू द फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ सेट ऑफ कंडक्टर्स, बिटवीन अ सेट ऑफ कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन EMF is induced। फराडे के नियम का दो फोल्ड है, ये फर्स्ट फोल्ड मैंने आपको बताया, पहला आप बताया इनके नियम का जो ऐसा बताता है, वो ये बोलता है कि भाई जब भी कोई रिलेटिव मोशन होगा सेट ऑफ कंडक्टर्स और मैग्नेटिक, रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि कोई एक बॉडी जो है वो अपनी जगह पर स्टेशनरी रहे और दूसरी बॉडी उसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रही हो, घूम रही हो, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन के सिद्धांत के हिसाब से, मतलब फराडे के सिद्धांत के हिसाब से, रिलेटिव मोशन अगर होता है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखो और कॉइल को घुमाओ, या कॉइल को कांस्टेंट रख के मैग्नेटिक फील्ड को घुमाइए, इन बोथ द कंडीशंस व्हाट विल हैपन, ईएमएफ का इंडक्शन होगा। अब इनके लॉ का दूसरा फोल्ड जो है वो ये बताता है कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके आगे का फोल्ड में बताता हूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रपोर्शनल टू, विल बी प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, द फ्लक्स लिंक्ड। तो किस समय कितनी ज्यादा मात्रा में फ्लक्स लिंक हो रही है उसी के प्रपोर्शन में ईएमएफ का इंडक्शन होगा। तो ये फॉर्मूला इसीलिए यहां से निकल के आता है कि ई इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। आगे चल के डिपेंड ये होता है कि आप ईएमएफ का इंडक्शन कैसे देख रहे हैं, स्टैटिक ईएमएफ का इंडक्शन देख रहे हैं या डायनेमिक फॉर्म में ईएमएफ का इंडक्शन देख रहे हैं। तो उसके आधार पर फिर इस फॉर्मूले में या तो लेंज लॉ फॉलो होता है या फिर फ्लेमिंग्स रूल से फिर हम बताते हैं। तो अगर स्टैटिक मशीन है तो उसके हिसाब से आप लेंथ लॉ के बेसिस पे भी बताते हो कि माइनस एन का साइन, माइनस का साइन लगता है। और फ्लेमिंग्स का रूल है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, तो आप देखते हो कि जनरेटर का कंडीशन है कि मोटर का कंडीशन है, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं माइनस साइन लगाता हूँ कि लेंथ लॉ के बेसिस पे हमको पता चलता है कि ये जो जनरेट हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है ये अपनी कॉज को अपोज कर रहा है, ठीक। डी फाई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल का टर्न्स, कि कितनी कॉइल है वहां पर लगी हुई है उसके नंबर ऑफ टर्न्स। एन की वैल्यू को ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद कांस्टेंट माना जाता है, एक बार कंस्ट्रक्शन कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स को तो आप चेंज नहीं करने जाओगे। तो अगर सपोज कर लीजिए इसी एग्जांपल के तौर पे मैं इस कॉइल सेट को यहाँ बीचों बीच प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, कॉइल सेट को ऐसे बीच में मैंने प्लेस कर दिया। अब इसी के लिए ग्राफ ट्रेस करना है, ठीक है, जो ग्राफ बनेगा वो इसी अरेंजमेंट के लिए बनाने वाला हूँ। फॉर दिस अरेंजमेंट अब देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ ट्रेस कर रहे हैं। तो इस जगह पे मैं ट्रेस कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इन वोल्ट्स, किसके रिस्पेक्ट में,
ओमेगा टी रेडियंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है? अब ध्यान से देखते जाएगा। तो लेट अस सपोज कि मैं इस पूरे कॉयल सेक्शन को ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, जिसकी फ्लक्स डेंसिटी है बी टेस्ला और मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज जिसके परपेंडिकुलर कंडीशन पे हो सकता है, वहां पर ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रिक्वेंसी से कॉयल को मैं एक दिशा में घुमा रहा हूँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने जा रहा हूँ। आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, हम लोग एसी और डीसी का यूनिवर्सल अरेंजमेंट के हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड करते हैं। तो डीसी के जितने कैलकुलेशन आप पढ़े, इसीलिए आप उस सबको क्लॉकवाइज में पढ़े जैसे मैश एनालिसिस करते हैं, और एसी के जितने कैलकुलेशन होते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, यूनिवर्सल अप्रोच रहता है और कुछ नहीं। तो अगर मैं इसको घुमाना शुरू करूं, तो फिलहाल इस पोजीशन पे देखिए कितना फ्लक्स लिंकेज है, एकदम मिनिमम मात्रा में फ्लक्स लिंक हो रहा है ना, और प्लस अभी स्टेशनरी है तो कुछ नहीं इंड्यूस होगा, कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। तो अब मैं यहां से इस कॉयल सेट को घुमाना शुरू करता हूँ, ठीक है, इस कॉयल सेट को पकड़ते हैं यहाँ से, और जब पकड़ में आएगी तब घुमाएंगे इसको। अच्छा, लगता है कि ये कॉयल सेट जो है पकड़ में नहीं आएगी। ओके, चलिए देखते हैं जरा। चलिए लेट अस सपोज, हाँ जी, तो ये रही कॉयल। अब इसको इसके रिस्पेक्ट में चलिए दूसरी कॉयल में बनाता हूँ, इस बार घुमा के रहेंगे हम लोग इस कॉयल को, ठीक है? चलिए इस कॉयल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस इज ए साइड एंड दिस इज बी साइड, यहाँ रख देते हैं। अब इसको मैं घुमाना शुरू करता हूँ यहाँ से, देखिए ऐसे घुमाना शुरू कर दिया मैंने। तो जैसे जैसे मैं इसको घुमाना शुरू करूँगा, देखिए पहले पीछे ए और बी आपको दिख रहे हैं इसके इनिशियल पोजिशन पर, अब ये जैसे जैसे घूमना शुरू की ज़्यादा मात्रा में फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, ये फाई की वैल्यू बढ़ रही है डी फाई बाई डी टी के फॉर्म में, तो ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज बढ़ रहा है तो ई एम एफ की मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगी इस ये फराडे के दूसरे नियम के हिसाब से, ठीक है? और ऐसा करते करते ग्रेजुअली मैं अगर सपोज कर लीजिए इसी कॉयल सेट को ऐसे लगा दूँ, तो ये कॉयल सेक्शन जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया तो ये वो समय रहेगी जहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स का लिंकेज होगा। मैक्सिमम फ्लक्स, अगर मैक्सिमम फ्लक्स इससे लिंक होती है तो इन दैट केस ईएमएफ भी अपनी पीक वैल्यू पे पहुँचेगा। ऐसा ही करते करते हम इसको ग्रेजुअली जो है वो घुमाते हुए ले करके आएंगे अलग अलग पोजिशन पर। अब इसको घुमाते हैं हम लोग इसके आगे, और ईएमएफ के लिए जो ग्राफ बनेगी यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बनेगी। देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको मैक्सिमम फ्लक्स, तो ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। देन ग्रेजुअली जैसे जैसे कॉयल आगे बढ़ेगा एकदम मिनिमम होता चला जाएगा, और 270 डिग्री पे दोबारा मैक्सिमम आपको मिलेगा जब यही कॉयल की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, ए नीचे आ जाएगा और बी ऊपर आ जाएगा, ठीक है? ये घूमते हुए अगले पीक पर जब ये पहुंचेगा तो ये नेगेटिव मैक्स मिलेगा आपको माइनस ई एम, और ऐसा होते हुए कॉयल जैसी इस इनिशियल पोजिशन पर आएगा ये वाली इनिशियल पोजिशन पर फिर से जीरो ई एम एफ जो होगा वो इंड्यूस होगा वहाँ पर। तो इसी वजह से आपकी ऑल्टरनेटिंग कॉयल अपने पूरे एक साइकिल के दौरान पूरा का पूरा 360 डिग्री का साइकिल जब ये रोटेट करती है तो उस समय में इस तरीके का ऐसा साइनोसॉइडल वेव जो है उसको क्रिएट करती है, ठीक है? ये इसका बेसिक वर्किंग होता है। तो इसका ईएमएफ इक्वेशन कैसे बताते हैं हम लोग, एग्जामिनेशन में पूछता है, तो इट्स ईएमएफ इक्वेशन वो देखते हैं जरा। ईएमएफ इक्वेशन को लिखते हैं फिर से एक बार। ईएमएफ इक्वेशन ये जनरेशन के साथ ही जुड़ा है। कई बार अगर सपोज कर लीजिए जनरेशन आपको 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछ लिया तो उसकी थ्योरी बताइएगा, और थ्योरी के बाद ईएमएफ इक्वेशन ना भी पूछा हो तो आप डिराइव कर दीजिएगा वहाँ पे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में मार्क्स अटेंड करने के लिए ये ज़रूरी होता है। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एसी, सिंगल फेज एसी का ईएमएफ इक्वेशन, इसको कैसे डिराइव किया जाता है, चलिए इसके लिए कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं जल्दी से। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें कि ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को मैं शो कर रहा हूँ लाइक दिस,
ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को हम लोग शो कर रहे हैं। तो ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे, हो गई। और इसके भीतर मैं एक कॉयल सेट जो है उसको एक्सटेंड करता हूँ, और एक कॉयल सेट को मैं लेकर के आता हूँ। बस इसको किसी ऐसे पोजीशन पर रखते हैं जिसमें ना तो ये पीक वैल्यू का ईएमएफ इंड्यूस करे, ना तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो और ना ज़ीरो फ्लक्स लिंक हो, दोनों के बीच की कोई पोजीशन देखते हैं, तब हमको कोई रैंडम इंस्टेंट जो है इसका पता चल पाएगा। ठीक, और इसके साथ साथ इसका कंपोनेंट जो है मैं बता दूं आपको कि मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज का कंपोनेंट है तो फाई एम लिखूंगा यहाँ पे। जब मैक्सिमम फ्लक्स जो लिंकेज होगी वो इस कंडीशन पर लिंकेज होगी इससे, दैट इज़ फाई एम। ठीक, अब ये कॉयल रोटेट कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं इसका कि भाई डायरेक्शन जो है सर वो इसका एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, कितना ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रिक्वेंसी से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका रोटेशन भी मिल गया आपको। अब देखिए जो कॉयल है इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में आप शो करिए। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके? तो इसके परपेंडिकुलर और पैरेलल दो कंपोनेंट्स आप बनाइए। तो एक हो गया आपके पास फाई एम साइन ओमेगा टी, और दूसरा कंपोनेंट हो गया फाई एम कॉस ओमेगा टी। ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर फ्रिक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, तो फाई एम कॉस ओमेगा टी और फाई एम साइन ओमेगा टी का कंपोनेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे वर्किंग में आ रहा है। ठीक, तो इसके हिसाब से देखिए इसका डेरिवेशन भी मैं दो तरीकों से आपको करवा सकता हूँ, दोनों मेथड से बताऊंगा ही। इनफैक्ट आप देखिएगा आपको जिस भी तरीके से अच्छा लगे एग्जामिनेशन में, आप दोनों में से कोई भी मेथड जो है डेरिवेशन के समय यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि हमको पता है फराडे के नियम के हिसाब से ई एम एफ इंड्यूस्ड ई इज गिवन एज माइनस एन डी फाई बाई डी टी, लिखते हैं हम लोग ऐसा। इस कंडीशन पे फाई की कंडीशन जो है, फाई की जो वैल्यू है, ध्यान रखिएगा इट इज़ अ नॉन मैक्सिमम कंडीशन। कंडीशन शुरुआत से समझिएगा कि जो मैंने फाई की कंडीशन आपको बताई वो कौन सी बताई? नॉन मैक्सिमम कंडीशन। तो ये अभी मैक्सिमम फ्लक्स का लिंकेज नहीं हो रहा है इस कॉयल के साथ, जीरो भी नहीं हो रहा है, उसके बीच का कोई स्टेट है। तो फाई की वैल्यू में कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए? फाई की वैल्यू में कंपोनेंट आना चाहिए फाई एम कॉस ओमेगा टी। तो इसको जरा पिछले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, देयर फोर यू विल गेट ई इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फाई एम कॉस ओमेगा टी। इसको और डिराइव कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो माइनस साइन जो है, माइनस ऑफ साइन के फॉर्म में ये वैल्यू हट गई और ई की वैल्यू बच गई आपके पास एन ओमेगा फाई एम इंटू साइन ओमेगा टी। और ध्यान रखिएगा कि जब ये कंपोनेंट आपका कहाँ कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, जब साइन ओमेगा टी का कंपोनेंट आपके पास वन मिलेगा उस कंडीशन में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स का लिंकेज है। तो वी कैन से कि एन ओमेगा फाई एम जो है इसको हम ईएम बोल सकते हैं ना, दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ जो लिंक हो सकती है। अगर ये फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट को हटा दूं तो कांस्टेंट कंपोनेंट को देख के बिल्कुल क्लियर है कि मैक्सिमम ईएमएफ यहाँ पे लिंक हो रही है। और इसी को मैं पिछले वाले इक्वेशन में अगर पुट कर दूं तो देयरफॉर वी विल गेट ई इज इक्वल्स टू ईएम साइन ओमेगा टी। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉयल। कॉयल के भीतर इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कॉयल घूम रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में, कि ई जो है स्मॉल लेटर में क्यों लिख रहा हूं मैं पता है? स्मॉल लेटर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करेगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी वैल्यू है। अब आपको इंस्टेंट बदलना है तो टी की जगह पे वैल्यू चेंज करते जाइए। इंस्टेंट में मान लीजिए पुट करेंगे 0.001 सेकंड, उसका बताएगा 0.002 सेकंड पे कितना ईएमएफ है, बस टी की वैल्यू आप बदलते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि भाई ईएमएफ हर इंस्टेंट पे कितना बन रहा है वो आप यहां से बता रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर ईएमएफ इक्वेशन। बताइए, सभी लोग बता लेंगे,
चलिए मान लीजिए इसके अलावा कोई और तरीका आपको जानना है, आप बोले कि सर इसमें नहीं समझ में आ रहा है, कोई और मेथड थी ईएमएफ क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे ईएमएफ क्वेश्चन बनाने के, और उसी में से एक और ऑप्शन मैं आपको और बताता हूँ। चलिए ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने का एक और तरीका, तो ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर, ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर डिराइविंग द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज एसी के जनरेट करने का, इसको इंड्यूस करने का जो ईएमएफ इक्वेशन होगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको मैं पूरा मेथड बता दूंगा तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर रहेगा, आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं ईएमएफ का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ई का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे कैसे बता सकते हैं, ई का एक्सप्रेशन जो है उसको अगर हम बता रहे हैं तो यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट इज ए कॉस थीटा, ए कॉस फाई या ए कॉस थीटा का एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये कंपोनेंट है एरिया वेक्टर का, कंपोनेंट है एरिया वेक्टर का अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बी, इट इज द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग विथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, बी यानी कि फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में जिसको हम लोग दिखा रहे हैं वो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसको बी के फॉर्म में हम वहां पे शो कर रहे हैं, और उसका डायरेक्शन वेक्टर या एरिया वेक्टर जो है वो मैंने ए कॉस थीटा से शो किया। इसको क्यों शो किया, ये कहाँ पे यूज होगा, इसको भी समझते हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ना कुछ तो लिंक हो रहा है ना इस कॉइल के साथ, पिछले पेज का डायग्राम आप देख लीजिएगा, सेम उसी डायग्राम के लिए डेरिवेशन बना रहा हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा होगा इस कॉइल के साथ। किस समय, टी इंस्टेंट पे, इंस्टेंट स्मॉल टी जो है उस पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इससे लिंक हो रहा होगा, ठीक। तो उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे आप, उसका एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बताओगे, तो देखिए हमको पता है बी इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब यहीं से आपको बताना है कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो देयर फोर फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉयल एट एनी इंस्टेंट टी, इसको कैसे शो करेंगे, किसी भी इंस्टेंट टी पर फ्लक्स लिंकेज जो है उसको कैसे आप शो करोगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, तो फ्लक्स लिंकेज जो है उसका एक्सप्रेशन आप बनाएंगे, फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो एरिया का जो एक्सप्रेशन था वो एरिया वेक्टर के फॉर्म में मैंने बता दिया आपको, एरिया वेक्टर अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लक्स का एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बनेगा, फ्लक्स लिंक जो हो रही है दैट इज गिवन एज बी इंटू ए, यानी इस एक्सप्रेशन में बी का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, ठीक है। बी मल्टीप्लाइड विद द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, लिख लीजिए इसको जल्दी से, तो मतलब आप लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस थीटा, ये बी इंटू ए कॉस थीटा। चलिए देयर फॉर यू विल राइट फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू एरिया वेक्टर कॉस थीटा या कॉस फाई, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन जो है इसको और कैसे चेंज करेंगे, तो भाई ठीक है ये बात जो है ये एक टर्न के लिए है, जब आपकी कॉयल जो है उसमें एक ही टर्न अगर लगा हुआ है तो ये एक्सप्रेशन बनता है, मान लीजिए एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो। चलिए ठीक है उसको, उसका भी देख लेते हैं, और एन टर्न्स ऑफ कॉयल, ये पर टर्न है, ठीक है, दिस इज पर टर्न फ्लक्स लिंक्ड पर टर्न ऑफ अ कंडक्टर, यहां एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन टर्न्स ऑफ कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, एन टर्न्स ऑफ कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन में आप लिखेंगे यहां से कि देयर फोर पाई इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए कॉस थीटा, एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी फ्लक्स डेंसिटी और ए कॉस थीटा जो है इसका एरिया वेक्टर कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये जो फाई है, अच्छा दोनों जगह फाई आ गया ना, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसको थीटा लिख दीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, थीटा। अब यहां पर जो थीटा है ये किसके बराबर है,
सिंस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, थीटा जो है हमारा ये और कुछ नहीं बल्कि ये खुद ओमेगा टी है, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। ग्राफ आपने देखा था वहां पे मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ ओमेगा टी रेडियंस के फॉर्म में, तो उस वैल्यू को यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो अब बताइए ईएमएफ का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, अब ईएमएफ का एक्सप्रेशन फराडे के नियम के हिसाब से कैसे लिखते हैं? देखिए फराडे के नियम के हिसाब से इसको लिखेंगे हम लोग बाय बाय फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी हैव ई इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ई एम एफ इंड्यूस इज गिवन एज माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको लिखते हैं। या बेसिकली अगर देखा जाए तो हम इसको भी अगर अभी रिमूव कर दें तो एक ही फैक्टर जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से, डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर एन कॉन्स्टेंट है तो जरा इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू देखिए कितना है अपने पास, फाई की वैल्यू है एन बी ए कॉस थीटा, एन इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा या ओमेगा टी। तो ई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब जब इसको कॉस ओमेगा टी को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको साइन ओमेगा टी के फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे ई इज इक्वल्स टू एन बी ए इंटू साइन ओमेगा टी एंड दिस एंटायर वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू इज गिवन एज मैक्सिमम ईएमएफ। अगर ये साइन थीटा का फैक्टर आपका जीरो हो जाता है, जीरो नहीं सॉरी, अगर ये साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है दैट इज वन, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होने लग जाएगी और इसीलिए आप इसको ईएम से डिनोट करेंगे एंड सो वी विल हैव ई इज इक्वल्स टू ईएम साइन ओमेगा टी। ये भी एक तरीका है ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करने का, ठीक है। मैकेनिकल डिजाइन पैरामीटर्स के हिसाब से भी आप इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से ईएमएफ का एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट ईएमएफ इक्वेशन का नोट्स आपके लिए रेडी भी होता जा रहा है साथ साथ में और प्लस आप इसको समझते भी जाइएगा। तो क्लियर आपको ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ सिंगल फेज एसी ऐसे बताना है हमको। तो जनरेशन पढ़ ली हम लोग, बेसिक जनरेशन हो कैसे रहा है, दूसरा हम लोगों ने टर्म्स यूज देख लिया और तीसरे पॉइंट पर मैंने आपको दो तरीके से ईएमएफ इक्वेशन बता दिया। आपको दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से आप डिराइव करिएगा। एग्जामिनेशन में कंप्लीट मार्क्स जो है ये 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक। चलिए तो अब यहां से एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं जल्दी से, टर्म्स यूज्ड, ईएमएफ इक्वेशन, जनरेशन, आज का कंटेंट होता है इसी के साथ पूरा। अब एक लास्ट पॉइंट और बता दूं कि एग्जामिनेशन का क्वेश्चन या पीवाईक्यू का पार्ट जो है वो इसमें अभी नहीं बताऊंगा मैं, जब रिप्रेजेंटेशन करवा दूंगा उसके बाद आपको पीवाईक्यू पे लेके जाऊंगा, देखेगा एकदम मस्त तरीके से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है वो आप आसानी से अभी बनाने लग जाएंगे। तो अगले सेशन पे आपसे मिलते हैं, आज का वीडियो अभी यहीं पर एंड अप करते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया आई नो, बट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और एसी के शुरुआती पार्ट में कंसेप्ट वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रिकल मशीन जैसा सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी यही सारे कंसेप्ट्स काम आएंगे, तो मज़ा आएगा आपको। तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करते हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच ऑल माई डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन, और अगले सेशन पर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, फुल ऑन एनर्जी लेवल के साथ। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, प्लेलिस्ट पूरी आपके लिए यहाँ अवेलेबल है, एंड देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद।